डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बातचीत कर ली थी जो वेद जो है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसके मेन मेन जो पॉइंट्स थे उनके बारे में। आज का हमारे टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा पार्ट टू है सामवेद, यानी कि ऋग्वेद से रिलेटेड हमने पीछे के टॉपिक में बात कर ली थी। सामवेद है, इसको मधुर गान यानी कि मीठा संगीत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर 1603 सॉन्ग हैं, जिसमें 99 जो सॉन्ग हैं वो तो नए हैं, बाकी सारे जो सॉन्ग हैं वो ऋग्वेद से लिए गए। इनको यानी सामवेद को जो ऋषि गाते थे या इसके अंदर जो बातें बताते थे, लोगों को सुनाते थे, उनको उद्गात्री ऋषि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गात्री ऋषि। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसके अंदर मेनली यज्ञों से संबंधित, जो यज्ञ करवाए जाते थे उनसे संबंधित क्या बताई जाती थी? विधि बताई जाती थी कि भाई किस तरह से जो हवन वगैरह है कैसे कैसे किए जाए। इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर 2086 मंत्र हैं, 2086 मंत्र हैं, और ये 40 जो लेसन है, चैप्टर जो है उनके अंदर डिवाइड है। और ये हमें खास तौर से उस टाइम पर जो बलि वगैरह दी जाती थी या जो देवी शक्तियां जो होती थी उनसे संबंधित भी साधनों की जानकारी देता है। ये जो वेद है, जो यजुर्वेद है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक शुक्ल और एक कृष्ण, यानी कि शुक्ल और कृष्ण दो पार्ट में यजुर्वेद है वो डिवाइड है। और यजुर्वेद में हमारे जो एंशियंट जो गद्य साहित्य है, एंशियंट यानी प्राचीन जो गद्य साहित्य है वो शामिल है। फोर्थ और लास्ट हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये वेद अन्य जो हमारे बाकी जो तीन वेद हैं उनसे क्या है? डिफरेंट है। कैसे है? एक तो क्या है कि इसकी जो इसको कंपोज जो है वो सबसे बाद में किया गया है, और इसके अंदर जो काम वगैरह है यानी कि अथर्ववेद में जादू टोनों से संबंधित भी ये बातें हमें सब ज़्यादा मिलती हैं। और उससे भी खास बात ये है कि इसके अंदर जो हमारी जैसे कि कोई डिजीज है, कोई इसी प्रकार की बीमारी है, कोई जादू टोना है, इन सब से रिलेटेड बातों को भी इसमें बताया गया है। खास तौर से इस वेद के अंदर 731 सूक्त हैं और अप्रोक्सीमेटली 6000 इसके अंदर मंत्र हैं, और ये 20 मंडल के अंदर डिवाइड है। 20 इसमें क्या है? मंडल है। और इसके बाद में हमारे स्टार्ट होता है, इन वेदों के बाद में हमारे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है कि जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है हमारे, जो टेक्स्ट हैं, इनमें जो वेदों के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उनको क्या किया गया है? एक्सप्लेनेशन किया गया है। और ये गद्य शैली में लिखे गए हैं, और इसमें जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, वेदों से जुड़े जो भी बातें हैं वो सब इसमें बिल्कुल एक गाइडलाइन के तौर पर बताई गई है, जैसे ऋग्वेद के साथ
ऋग्वेद है हमारा। ऋग्वेद के साथ में जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं जैसे ऐत्रेय, कौशिकी, सामवेद के साथ जैसे जो सामवेद है उसके साथ में तंग यामय है, और जैमिनियम जैमिनी है, इसके साथ में तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के साथ, जो कृष्ण यजुर्वेद है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कृष्ण जो यजुर्वेद है और एक क्या था हमारा शुक्ल यजुर्वेद। तो इन दोनों के साथ वे अलग अलग ब्राह्मण है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके साथ में तैत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है। और यजुर्वेद के साथ में जो है तैत्रीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद के साथ में, और सतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ सतपथ जो ब्राह्मण है वो किसका हिस्सा है, शुक्ल यजुर्वेद का। ये इस तरह से जो यजुर्वेद के दो पार्ट हमने बताए थे, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद, तो ऐसे इनके ब्राह्मण भी अलग अलग हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण हैं, शुक्ल जो यजुर्वेद है उसके सतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद में आते हैं हमारे जो सतपथ ब्राह्मण, वैसे इसी में बात कर रहे हैं थोड़ा, सतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक है गोपथ ब्राह्मण अथर्वेद का, अथर्वेद से जुड़ा हुआ, अथर्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है गोपथ, क्लियर। यानी कि ये अलग अलग जो ब्राह्मण हैं, चारों जो हैं चारों वेदों के साथ में अलग अलग ब्राह्मण जो जुड़े हुए हैं, हर वेद की अपनी अलग अलग जो ये बातें हैं वो डिफाइन है वो करते हैं। अब बात आती है हमारी आरण्यक, इसके बाद में ब्राह्मण के बाद में आते हैं हम कहाँ पे, आरण्यक पे। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तो वेदों की डेफिनेशन दे रहे हैं हमें, ऐसे ही क्या है कि जो ब्राह्मण हैं वो उनके बिल्कुल आखिर में कुछ पार्ट जोड़े गए हैं उनको आरण्यक कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके आखिर में जो पार्ट जोड़े उनको, और आरण्यक जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है, आरण्यक वर्ड का मीनिंग होता है वन, यानी फॉरेस्ट। इट मीन्स जो फॉरेस्ट के अंदर ऋषि महात्मा रहते थे उन्होंने इसको लिखा था, और उनकी रचनाओं को आगे उनके जो शिष्य है उन्होंने लिखा, और इसलिए इनको क्या है आरण्यक है वो कहा गया है। इसके अंदर मेनली जो उस टाइम पर जो ऋषि वगैरह थे आरण्यक के अंदर उनकी फिलोसफी को लिखा गया है। उसके बाद में आते हैं हमारे उपनिषद, आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद क्या है कि उपनिषद शब्द जो है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई ये क्या है, उपनिषद शब्द जो है ये उपनिष जो वर्ड है उससे निकला है, किससे, उपनिष,
उपनिषद धातु से, और जिसका मीनिंग होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना, यानी कि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने टीचर के पास बैठ के जो उसके अंदर जो भी जिज्ञासा है उसके बारे में क्वेश्चन करता है, टीचर उसको समझाता है, वो सब बातें उपनिषद में है, वो काउंट हो रही है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो है कि भाई वेदों के अनुसार अगर हम देखें तो उपनिषद जो हैं इनकी संख्या 108 है। कितने हैं ये? 108 है। इसी के साथ में क्या है कि उपनिषद हैं वो भी अलग अलग जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशित की हैं, ऐसे अलग अलग हैं। तो अब बात करते हैं हम कि भाई वैदिक साहित्य के रचना काल की टाइम पीरियड। वैदिक साहित्य की रचना कब हुई, किस तरह हुई, ये काफी डिफिकल्ट, बहुत से अलग अलग विचार है। लेकिन मैं भी ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वेद हैं उनकी रचना 1500 टू 1000 BCE के आसपास हुई, और उसके बाद में जो स्टार्टिंग का वेद है हमारा ऋग्वेद उसकी टाइम पीरियड ये है, और बाकी के जो वेद हैं ऐसा माना जाता है कि उनका टाइम पीरियड 1000 टू 500 के बीच में माना जाता है। इसके अलावा इसके इनके 6 वेदांग भी लिखे गए, 6 जो वेदांग थे वो नोट हुए, यानी कि वेदों के पार्ट। ये इस तरह से हमारा जो वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड जो वेद थे, ब्राह्मण जो थे, आरण्यक और उपनिषद, इनसे रिलेटेड हमने बातचीत है वो की थी। अब बात आती है हमारी कि ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ वैदिक लिटरेचर। ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड वैदिक लिटरेचर, यानी कि वैदिक साहित्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि। एक्चुअली क्या है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है वो सप्त सिंध यूज हुआ है। ऋग्वेद में जो वर्ड यूज हुआ है वो है सप्त सिंध। सप्त सिंध यानी कि सप्त सिंधु से अभिप्राय हमारा उस रीजन से है जहां सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, सहायक नदियां थी, एंशिएंट टाइम में बहती थी। सिंधु जो नदियां थी वो जो हमारी सिंधु या इंडस जो रिवर थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी वो उसके आसपास थी, खास तौर से जैसे कि पंजाब का रीजन और पाकिस्तान का रीजन, अफगानिस्तान के आसपास, ये इस तरह से थी। और सिंधु नदी का वर्णन जो है वो भी हमें काफी ज्यादा इस दौर में है वो मिलता है। वैदिक जो सोसाइटी कैसी थी, बात करते हैं हम वैदिक सोसाइटी के बारे में। तो उस टाइम पर क्या है कि वैदिक सोसाइटी का जो एक तरह से फॉर्मेशन जो था वो ट्राइबल था। फर्स्टली वैदिक जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? ट्राइबलर थी। वैदिक समाज तो फर्स्टली वैदिक सोसाइटी में क्या था, कैसी थी सोसाइटी? ट्राइबल फॉर्मेशन में।
ट्राइबल फॉर्मेशन यानी कबीलाई संरचना। ट्राइबल मतलब बेटा कबीलाई। क्या कि ऋग्वैदिक समाज का जो स्ट्रक्चर था वो ट्राइबल था और इसमें अलग अलग जो कास्ट थी वो शामिल थी। और इस सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो बहुत से लोग ऐसे थे जो सोर्स को यूज़ करते थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो उन सोर्स का मतलब उनको यूटिलाइज़ करते थे, साथ में कुछ उनको अप्लीकेबल करते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो बिल्कुल लोअर थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अप थे। ऋग्वेद के अंदर जो अलग अलग जो यूनिट बताई गई हैं जैसे कि जन, ऋग्वेद में बताया गया है जैसे ऐसे पार्ट बटा हुआ, जन विष बताएंगे इनके बारे में, आगे गण, ये इस तरह से यूनिट के अंदर ये बटा हुआ था। सारा जो सिस्टम था वो बड़ा ही ब्रदरहुड भाईचारे के ऊपर टिका हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि जन और विष ये कंबाइंड प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट यूनिट थी, प्रोडक्शन यूनिट थी है खास तौर से। और उस टाइम पर जो ऋग्वैदिक टाइम पर लोग अपने एनिमल्स को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते थे, और इसी तरह से क्या है कि विष जो है उस तरह से विष जो था उसकी जो इकाइयां थी वो पशुओं को जो इधर से उधर ले जाते थे उनके लिए यूज होती थी। और ऋग्वेद में राजन को सबसे मेन जो रेस्पेक्ट है वो मिलती थी। बात आती है अब हमारी ट्राइबल फॉर्मेशन के अंदर वर्ण सिस्टम की। वर्ण सिस्टम एक्चुअली क्या है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में देवताओं ने जो पुरुष के अलग अलग भाग किए, जैसे उन्होंने बताया ब्राह्मण, जो है ये जो ब्रह्म है उसका क्या है मुख है, माउथ है उसका। और उसके बाद में जो उसकी भुजाएं हैं यानी छत्री है, इसके बाद जो है उसके बाद में जो वैश्य है वो उसकी जंघा है, और जो शूद्र है वो उसके क्या है पैर। इट मीन्स ऐसे उन्होंने ऋग्वेद का सहारा लेके अलग अलग जो वर्ण सिस्टम को बांट दिया कि वो जो मुख है जो बोल रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, जो लड़ रहे हैं क्षत्रिय यानी जो बाजू है वो क्षत्रिय हैं, जो पूरे दिन काम करते हैं ट्रेडर्स हैं वो वैश्य हो गए, और जो सबसे नीचे यानी हमारे होते हैं पैर वो हो गए कौन शूद्र। शूद्र जो हैं इनकी उस टाइम पर सोसाइटी में कोई भी वैल्यू नहीं थी, इनका मेन काम एक ही था लोगों की सेवा करना। और इनके सबसे बड़ी बात ये थी कि सोसाइटी के अंदर इनको गांव से बाहर रखा जाता था, और जो भी ऐसे वर्क होते थे जिनको आम आदमी नहीं करता था वो इनसे करवाए जाते थे। इंक्लूड ये जब गांव में भी आते थे तो लकड़ी बजा के आते थे ताकि कोई सामने ना आ जाए, इनके सामने आने को बहुत बड़ा अपशगुन भी माना जाता था। और इनको किसी प्रकार से किसी शिक्षा का या फिर और कोई भी राइट है वो नहीं मिले। हाँ वो अलग बात है, समाज के अंदर जब किसी काम के लिए कोई ज़रूरत पड़ती थी तो उस दौरान इनको ज़रूर बुलाया जाता था, उनको शामिल किया जाता था, लेकिन इनको अपने पैरेलल किसी प्रकार की सोसाइटी में कोई सम्मान है वो नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से वैदिक सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था ये धीरे धीरे चार पार्ट में जैसे बटा, बाद में यही वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम में बट गया। आगे का जो फॉर्मेशन है इस चैप्टर का
हम अगले पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर आपको बताएंगे।